आमदही माइंस की सुरक्षा में लगे जवानों को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया। आईईडी ब्लास्ट में एक जवान बलिदान और एक जवान घायल हो गया है। माइंस में जगह जगह आईईडी लगाने की नक्सलियों ने पहले ही चेतावनी दी थी। इससे पहले भी आईईडी में ब्लास्ट कर दो मजदूरों की मौत के जिम्मेदार थे ये। तो आपको बता दें कि छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां बलिदानी जवान का नाम जांजगीर चांपा ग्राम हसौत का रहने वाला है। बलिदान जवान का नाम कमलेश साहू है, जो जांजगीर चांपा ग्राम हसौत का रहने वाला है, CAF का जवान है। और घायल जवान का नाम विनय कुमार बालोद निवासी है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नए CM के शपथ ग्रहण से पहले ही नारायणपुर में जवान शहीद हो चुका है और नक्सलियों की फायरिंग और आईडी ब्लास्ट में उसकी जान जा चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में आज नए CM का शपथ ग्रहण है, लेकिन उससे पहले नारायणपुर में नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दूसरा घायल है। तो बताया जा रहा है कि सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग की और आईडी में ब्लास्ट हो गया, जिसके चपेट में वह जवान आ गया। ASP हेमसागर सरदार ने बताया कि छोटे डोंगर के आमदेही खदान के सुरक्षा में जवान गए थे। इसी दौरान सुबह 11 बजे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान आईडी विस्फोट भी हुआ। इस घटना में CAF का जवान कमलेश साहू शहीद हो गया और एक अन्य जवान विनय कुमार घायल हो गए। तो ITBP के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आपको बता दें कि नक्सली लगातार आमदेही माइंस के खिलाफ अपने कदम उठा रहे हैं। तो माइंस में जगह जगह आईडी लगाने की चेतावनी इनके द्वारा पहले ही दे दी गई थी। इससे पहले भी आईडी ब्लास्ट में माइंस में काम करने वाले 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को भी आईडी ब्लास्ट किया गया था, जिसमें सुकमा के प्रेशर आईडी बम पर जवानों का पैर पड़ गया था। इस विस्फोट में 4 जवान घायल हुए थे, 2 जवानों को गंभीर चोटें आई थी और 2 घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर भेजा गया था। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में नक्सली लगातार जवानों को आईडी ब्लास्ट में अपना निशाना बना रहे हैं। आज नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले एक बार फिर नक्सलियों ने अपने इस तरह के गलत करतूत को अंजाम दिया है। जिला नारायणपुर के थाना छोटे डोंगर के आमदेही खदान में करीब 11 बजे माओवादियों के द्वारा आईडी विस्फोट कर फायरिंग कर हमला किया गया है। जवाब में सुरक्षा बल के द्वारा भी जो है जवाबी कार्यवाही किया गया और नक्सलियों के हमले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 9वीं वाहिनी के एक जवान आरक्षक कमलेश कुमार शहीद हो गए हैं एवं एक आरक्षक विनय कुमार को मामूली चोट आई है, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया है। आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल DRG और ITBP के द्वारा जो है सर्च की कार्यवाही किया जा रहा है।